हेलो स्टूडेंट्स, अब क्लास है, गुड मॉर्निंग। मैं मलिक से आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ रिलेशन टू इन साइंस, राइट। द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, करेक्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लिए द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे है, ठीक है। आपको पता है अमीबा का जो लोकोमोशन होता है, अमीबा के पास कोई इतना ठीक नहीं होता है, सब कोई मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन के लिए कोई स्पेशलाइज बॉडी पार्ट्स नहीं होता है, क्योंकि इसका बॉडी शेप जो होता है इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है। तो ये जो जैसे जैसे वो मूव करता है, उसका जो बॉडी का जो मटेरियल है, साइटोप्लाज्म किसी एक तरफ झुकता है तो झुकता है, तो झुका हुआ जो पार्ट है उसकी फीट की तरह काम करता है, ठीक है। तो सचमुच में इसके पास कोई फीट नहीं होता, तो ये जो फॉल्स फीट है जो लोकोमोशन में इसको मदद करता है, उसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप देखिए, आप पहले फिगर में देखिए, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसका सारा कुछ जो होता है एक ही सेल के अंदर होता है, डाइजेशन हो, इंजेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, एसिमिलेशन हो या फिर इंजेशन हो, ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय वन सिंगल सेल, राइट। तो यहां देखिए, जैसे इसको फूड पार्ट के लिए हमने दिखा, तो उसके लिए फूड है ना, तो क्या करता है इसका आउटग्रो जो है, देख लीजिए स्यूडोपोडिया जो इस चीज से निकलता है ना। तो इस फिगर में आप देखिए, ये फूड है, इसको ये घेर रहा है, जैसे इसका जो स्यूडोपोडिया है फॉल्स फीट है, ये अमीबा है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे इंटरनल जो भी सब्सटेंस है बाउंडेड है, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेप है इंजेशन का, मतलब टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, कैसे वो बॉडी के अंदर अपना फूड लेता है, ठीक है। तो जैसे ही उसको फूड यहाँ पर मिला, वो अपने आउटग्रो करता है और धीरे धीरे इसको अपने इस गेरे में ले लेता है, और उसके बाद ये जो है आपका रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और ये जो आपका फूड है इसके अंदर आ, ठीक है, उसके सेल के अंदर में आ। अब यहाँ एंजाइम्स, एंजाइम्स उसके बॉडी से रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम्स एंट्रिंग इन द फूड वैक्यूल, कुछ जो एंजाइम्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द फूड दैट इज ईटन और इंगल्फिंग बाय द अमीबा। अमीबा जो इंगल्फ का फूड पार्ट है उसको उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। एंजाइम्स एंट्रिंग इन द फूड वैक्यूल या राइट, तो ये क्या वो डाइजेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एब्जॉर्ब होगा, सारा फूड जो यहाँ डाइजेस्ट हुआ, इसका जो सेल का जो पार्ट है उसको क्या करेगा, इस सारे फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद आपको मालूम है अगला स्टेप क्या है, एसिमिलेशन। वो उस फूड को, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स था वो अपने लिए यूज करेगा, अपने जो भी उसका बायोलॉजिकल या इंटरनल जो जो कुछ भी प्रोसेस है, जो कुछ भी हैपनिंग्स है उसके अंदर जो होता है सेल के अंदर, उसको क्या करता है फिर उसको यूटिलाइज करता है उस डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे जो अभी जो देखा स्टेप वन टू थ्री फोर है ना, इसमें कुछ अवांछित तत्व वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो इस केस में आपको पता है डाइजेस्ट फॉर डिफ्यूजन ऑफ फैक्टर, यहाँ पे वैसे डाइजेस्ट हुआ, ये फूड इस स्टेज में आके एब्जॉर्प्शन के स्टेज में क्या होता है वैक्यूम से बाहर हो जाता है, फिर इस स्टेज पे वाटर वैक्यूम, और यहाँ पर फिर ये एसिमिलेशन डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स इज यूज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म द बेसिक लाइफ फंक्शंस, राइट। अब ये सारे बायो चार्ज में जो बायो केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज बनता है, ठीक है। कुछ डाइजेस्टेड फूड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। वो क्या होता है, अब यहां देखते हैं इजेशन, इजेशन मीन्स थ्रोइंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी से वो यहां से एक पार्ट रप्चर होता है, डाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। यही सारा प्रोसेस है अमीबा में न्यूट्रिशन, करेक्ट।
पहला आपने देखा अनुभव इस टाइम मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एस्ट्रो व्हिच फ्लोट ऑन वाटर ऑन व्हिच इट लिव्स व्हेन अनुभव इनकाउंटर्स अ सूटेबल ऑर्गेनिज्म प्रोसेस ऑफ सूटोपोडिया एंड डेफिनेट जो आपको सारा बताया उद्देश्य ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको न्यूट्रिशन इन ल्यूमिनेंस ल्यूमिनेंस में मैं बताऊंगा ल्यूमिनेंस कहने का मतलब होता है ल्यूमिनेंस आर एनिमल्स व्हिच हूज स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स राइट। Thank you, have a nice day.